वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेस्टेशनल सैक का नॉर्मल साइज क्या होता है, उसकी नॉर्मल शेप क्या होती है। वेल, कई बारी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जब करवाती हैं तो उसमें स्मॉल गेस्टेशनल सैक या एम्प्टी गेस्टेशनल सैक या नो गेस्टेशनल सैक आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। साथ ही जो प्रेगनेंसी की अर्ली साइन की रिएक्शंस होती हैं एंडोमीट्रियम लेयर के साथ में, जैसे इंट्रा डेसिडुआ रिएक्शन या फिर डबल डेसिडुअल रिएक्शन, वो क्या होती हैं, और जो गेस्टेशनल सैक है उसके दिखने के कितने टाइम के बाद फीटस दिखाई देता है और बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है, और गेस्टेशनल सैक के बेसिस पर प्रेगनेंसी के दिन कितने काउंट करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए कि अगर किसी फीमेल की पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिनों की है और 28वें दिन उनको पीरियड्स आने थे जो कि नहीं आए, और उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव आया। सो फिर ऐसी कंडीशन में अगर वो फीमेल अगले दिन ही अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, अब देखिए अल्ट्रासाउंड भी दो टाइप के होते हैं। पहला है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जो कि पेट के ऊपर से किया जाता है, और दूसरे नंबर का जो अल्ट्रासाउंड है वो होता है ट्रांस वजाइनली अल्ट्रासाउंड, जो कि वजाइना के रास्ते से किया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चेदानी थोड़ा दूर दिखाई देती है, और जो वजाइना के रास्ते से अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें बच्चेदानी पास में दिखाई देती है। इसे आप इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। इसमें जो इमेज है, देखिए ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने वाली इमेज की तरह ही है, और ये जो इमेज है ये ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने वाली इमेज है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हो उसमें प्रेगनेंसी की जो शुरुआती प्रोसेस है, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती क्योंकि वो दूर होता है, और जो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है वो दिखाई देती हैं। सो पीरियड साइकिल के मिस होने पर और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने पर अगर कोई फीमेल 29वें या 30वें दिन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाती है तो फिर उन्हें प्रेगनेंसी की प्रोसेस नहीं दिखाई देती क्योंकि साइज ही बहुत छोटा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वजाइनली अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें प्रेगनेंसी की जो अर्ली साइंस और रिएक्शंस हैं वो दिखाई देती हैं। पहला साइन होता है इंट्रा डेसिडुआ रिएक्शन, मतलब जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यूट्रस की एंडोमीट्रियम लेयर, सपोज कीजिए कि ये यूट्रस है, ठीक है, और इसकी अंदर वाली लेयर में जब जो फर्टिलाइज एग है, जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है ना, वो यहाँ पे चिपकेगा नहीं, वो अंदर धस जाता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। सो जब वो अंदर जाता है और ऐसी कंडीशन में जब अल्ट्रासाउंड करते हैं वजाइनली, और जो सोनोलॉजिस्ट है, जो अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर हैं, अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस है और अच्छा उनकी अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो फर्स्ट रिएक्शन दिखाई देती है जिसे इंट्रा डेसिडुआ रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन दिखना बहुत अच्छा माना जाता है, इसका मतलब ये है कि इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हो गया है, और ये यूजली ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, ठीक है। सो इंट्रा डेसिडुअल रिएक्शन के साथ में आपको एक ओ स्ट्रक्चर राउंड टाइप का दिखाई देता है जिसे गेस्टेशनल सैक बोलते हैं। वहीं अगर इस टाइम के लगभग 3 से 4 दिन के बाद, मतलब अगर पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो 32 दिन के बाद अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें आपको एक फ्लूड लाइट स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी का पहला साइन दिखाई देता है जिसे गेस्टेशनल सैक बोलते हैं। इस सैक के अंदर फ्लूड भरा होता है और इस सैक का जो साइज है वो या तो गोलाकार दिखाई देगा या फिर अंडाकार दिखाई देगा, ठीक है, इरेगुलर शेप नहीं होगी। अगर इरेगुलर शेप होती है तो फिर वो एबनॉर्मल सैक होता है जिसे सूडो सैक कहते हैं, या और भी कंडीशन होती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो जो गेस्टेशनल सैक है उसका साइज गोलाकार होगा या अंडाकार होगा, और जिस दिन आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ मिस हुई है,
मतलब अगर पीरियड साइकिल अगर 28 दिन का है तो 28 दिन के बाद गेस्टेशनल सैक का जो साइज है वो 1 mm पर डे के हिसाब से इंक्रीज होता है, ठीक है। सो प्रेगनेंसी का पहला जो साइन है वो इंट्राडेसुडल रिएक्शन आपको दिखाई देगी और साथ में सैक दिखाई देगा, और उसके बाद जब ये गेस्टेशनल सैक बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा जब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रोथ होगी, तो सेकंड रिएक्शन आपको दिखाई देता है जिसे डबल डेसिडुअल रिएक्शन कहा जाता है। ये जो रिएक्शन है ये दिखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि कई बारी गेस्टेशनल सैक जब आपको मेंशन किया जाता है तो वो गेस्टेशनल सैक ना होकर सूडो सैक होता है। सूडो सैक एक एबनॉर्मल सैक होता है जो कि प्रेगनेंसी के सैक जैसा दिखाई देता है लेकिन नकली होता है। कई बारी पेशेंट को एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और इंटरनली ब्लीडिंग की वजह से जो फ्लूड है वो यूट्रस में कलेक्ट हो जाता है, या फिर जो कपल पीरियड साइकिल के दौरान रिलेशन बनाते हैं तो धीरे धीरे जो ब्लड है वो यूटराइन कैविटी में कलेक्ट होता रहता है और फिर सडनली इतना कलेक्ट हो जाता है कि फीमेल के पीरियड साइकिल मिस हो जाते हैं, या फिर लोअर एब्डोमन पेन रहने लग जाता है, और फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपको डायग्नोज किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड में गेस्टेशनल सैक दिखाई दिया है लेकिन वो सैक ग्रो नहीं करता है, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि आपको इंट्राडेसिडुअल रिएक्शन भी दिखाई देगी इस सैक के साथ, मतलब सूडो सैक के साथ। सो जो प्रेगनेंसी का सेकंड रिएक्शन है जिसे डबल डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं वो आना इम्पोर्टेंट होता है। जब ये रिएक्शन दिखाई देती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, सूडो सैक नहीं है और ये गेस्टेशनल सैक ही है, ठीक है। सूडो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, शार्प एजिस दिखाई देती हैं और उसमें आपको डबल डेसिडुअल रिएक्शन नहीं दिखाई देती, ठीक है। सो जो गेस्टेशनल सैक है हमारा जो यूजली प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, जब उसका साइज इंक्रीज होता है तो फिर आपको डबल डेसिडुअल रिएक्शन दिखाई देगी। सो जिस दिन ये गेस्टेशनल सैक बनता है उसके लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी गेस्टेशनल सैक के अंदर एक और सैक दिखाई देता है जिसे योग सैक बोलते हैं, ठीक है। इस योग सैक का काम जो फीटस बनेगा, जो बच्चा बनेगा अभी, उसको न्यूट्रिशन देना है, हर प्रकार का खाना देना उसका काम होता है ताकि बच्चा शुरुआती स्टेज में अपने आप को बड़ा कर सके, डेवलप कर सके, क्योंकि शुरुआती स्टेज में प्लेसेंटा बना नहीं होता और इनिशियल स्टेज में बच्चे को कोई सोर्स तो चाहिए ना बड़े होने का, तो जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं वो योग सैक से मिलती हैं। सो योग सैक के दिखने के लगभग 5 से 7 दिन के अराउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आपको इसकी सीमा पर एक कर्व टाइप की आकृति दिखाई देती है, एक साइड पर बच्चे का सिर और दूसरे साइड पर बच्चे की टेल दिखाई देती है, पोल दिखाई देता है जिसे फीटल पोल कहते हैं। जब ये फीटल पोल दिखाई देता है तो फिर हम लोग को उसके अंदर बच्चे की हार्ट बीट भी दिखाई देती है, ठीक है। सो जो गेस्टेशनल सैक है, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नो गेस्टेशनल सैक करके आया है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पहला, आपने अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा जल्दी करा लिया है, नॉर्मली जो गाइडलाइंस है अल्ट्रासाउंड करवाने की प्रेगनेंसी के 6ठे सप्ताह पर करवा सकते हो आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप उससे पहले करवाते हो, जैसे आपका पीरियड साइकिल की लेंथ 28 दिन की थी, 29वें 30वें दिन करवाया तो आपको गेस्टेशनल सैक नहीं दिखाई देगा, और आपने डॉक्टर को बताया, जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको आपने बताया कि सर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नो गेस्टेशनल सैक करके मेंशन करेंगे। दूसरा है स्मॉल गेस्टेशनल सैक, उसका क्या मतलब हुआ, वेल देखिए पहला तो यही है कि आपका जो गेस्टेशनल सैक है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और आपने बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने पर वो छोटा ही दिखाई देगा, तो आपको मेंशन किया जाएगा। दूसरा, जब बेबी का स्ट्रक्चर बनता है, जब फीटल पोल दिखाई देता है, सपोज कीजिए कि अगर फीटल पोल का जो साइज है वो 10 mm का है, ठीक है,
और गेस्टेशनल सैक का जो साइज़ है वो 8 mm है, तो आपको गेस्टेशनल सैक स्मॉल करके मेंशन किया जाएगा। मतलब ये है कि फिटल पोल जितना है उससे गेस्टेशनल सैक का जो साइज़ है वो 5 mm से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगली जो कंडीशन है वो है एम्प्टी गेस्टेशनल सैक। अब एम्प्टी गेस्टेशनल सैक को या तो ब्लाइटेड ओवम या फिर एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें गेस्टेशनल सैक दिखाई दिया और आपको उसमें योक सैक भी दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन किसी कारणों के कारण, या तो गुणसूत्र में कमी हो गई या फिर मैकेनिकल फेलियर के कारण, जब सेल डिवीज़न होता है और उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो नेचर उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है। सो गेस्टेशनल सैक में जो योक सैक दिखाई देता है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और गेस्टेशनल सैक खाली हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को एम्प्टी गेस्टेशनल सैक कहते हैं, ठीक है। अगली जो कंडीशन है वो है पेरीगेस्टेशनल ब्लीड या हेमरेज या सबक्रियोनिक हेमरेज। अब ये क्या होता है, वेल देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चेदानी के अंदर धंस जाता है, सो जब इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं होता तो एक साइड से वो अलग हो जाता है। जब अलग होता है तो फिर कुछ फ्लूड या ब्लड जहाँ से वो अलग हुआ है उस जगह पर कोलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को पेरीगेस्टेशनल ब्लीड या हेमरेज करके मेंशन किया जाता है। इसकी जो स्टेजेस होते हैं वो 3 होती हैं। लो, जिसमें 20% जो इम्प्लांट एग था यूट्रस के अंदर वो 20% अलग हुआ है तो उसको लो करके मेंशन किया जाएगा। अगर 20-50% अलग हुआ है तो उसको मीडियम, और 50% से ज़्यादा हुआ है तो उसको हाई करके मेंशन किया जाता है। ओके, तो मैंने आपको गेस्टेशनल सैक के बारे में अच्छे से समझा दिया है, लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर एंशियस होते हैं। सो सभी प्रेगनेंसी के डाउट को क्लियर करने के लिए कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो सही चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन एंटी स्कैन होता है, जो कि प्रेगनेंसी के 12वें सप्ताह पर करवाने की एडवाइस दी जाती है, वो आप करवा सकते हो। लेकिन स्टिल अगर आपको गेस्टेशनल सैक, योक सैक या फिर फिटल पोल के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। कॉमेंट में मैं और मेरी टीम एक्टिव रहते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की नॉर्मल हार्टबीट कितनी होती है, उसके लिए आप इस वीडियो को देखें, और बच्चे की हार्ट बीट कब आती है उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।